किसी के प्यार में यह सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जो है वो आखिरकार खुल गया। जी हाँ, जो हमारी सई थी उन्होंने अपने बेटे की पुण्यतिथि पर विराट को बुला लिया। अब जीवित इंसान की पुण्यतिथि तो हो नहीं सकती, ऐसे में विराट को ये राज खोलना पड़ा कि विनायक तो जिंदा है। ओ माय गॉड, अब जाके क्या होगा आगे? खुलासा बहुत पहले इस सई के सामने विराट को कर देना चाहिए था। वो खुलासा उसे कभी इस तरीके से करना होगा ऐसा विराट ने सोचा नहीं होगा। अब सई तो पहले ही जान गई थी कि विनायक कहीं न कहीं जिंदा है और ये सच विराट छुपा रहा है। अब विनायक के पुण्यतिथि पर जब विराट पहुंचा, पूरे विधि विधान के साथ जब सई ने विनायक की पुण्यतिथि करने के लिए विराट को बुलाया, तब देखिए विराट ने कैसे सई को रोक लिया। अब यहाँ पर जगताप भी मौजूद है। अब वही तो है जिसने सई को सारी सच्चाई बतानी चाही, लेकिन बताई नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि विराट के मुंह से सई को सारा सच पता चले। सई को आखिरकार बता ही दिया विराट ने कि विनायक जो उनके पास है वही उनका असली बेटा है। मैंने ही हमारे वीनू को गोद लिया था। सच जो विराट चौहान ने सही से छिपाया है उसका शायद यहाँ खुलासा हो सकता है, और वो खुलासा होने में मैं मतलब जगताप सही की हेल्प करने वाला है। तो इस किस्म का एक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न भरा एक सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं। कुछ पल के लिए तो इस सही को समझ ही नहीं आया कि वो विनायक जिसका इलाज उसने किया था, जिसे सभी दादा कहती है, मतलब विनायक को लेकर वो हमेशा बहुत ही अपनापन महसूस करती थी, वो विनायक उसका बेटा है। इस खुशी को दोनों ने गले लगकर बयां किया। लेकिन दूसरे ही पल जब सई ने पूछा कि विराट आखिर इतना बड़ा सच आपने क्यों छुपाया, केवल पत्र लेखा के लिए? इससे पहले भी आपने पत्र लेखा का साथ दिया था और आज भी आप वही कर रहे हैं। भला एक पत्नी बार बार अपने पति को एक ही औरत को चुनने के लिए कैसे माफ कर सकती है? तुम्हें बताने वाला था,
बताऊं उससे पहले मुझे ये पता चला कि बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं फौरन वहां भागा था उस दिन। अपने पत्र लिखा के लिए मुझसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बेटा जिंदा है। तुम समझ नहीं रही हो हालात ही कुछ ऐसे। अब इसका फैसला तो सही करेगी कि आगे उसे क्या करना है। फिलहाल इस सीरियल का ये सबसे बड़ा क्लाइमेक्स था जो अब खुल गया है। इसके बाद ये कहानी सिमटेगी नहीं बल्कि और फैलेगी, और न जाने इस आगे वाली कहानी की चपेट में और कौन कौन आएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।